हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल पर। आज हम लोग वर्कशीट नंबर 10 के बारे में बात करने वाले हैं, जो विज्ञान विषय की और कक्षा 6 की है। आज की तिथि क्या है, 6/8/2021। यहाँ पर क्या करना है, आपको अपना नेम या अपनी टीचर का नेम लिखना है। और आज इस वर्कशीट का टाइटल क्या है, हमारी इस वर्कशीट का टाइटल है भोजन में पोषक तत्व। ठीक है, भोजन में पोषक तत्व के बारे में आज हम लोग क्या करने वाले हैं, बात करने वाले हैं। इसके पहले मैं आपको बता दूँ, संडे को हमारी क्या आने वाली है, थैंक्स वीडियो आने वाली है। और उस थैंक्स वीडियो में आप सभी के कमेंट को शो करते हुए क्या करना है, आपको थैंक्स बोलते हैं हम लोग नाम लेते हुए, तो अब तो आपको करना क्या है, आपको क्या करना है, वीडियो लाइक करनी है, चैनल सब्सक्राइब करना है और कमेंट में अपना नाम लिखते हुए जो भी सजेशन आप देना चाहते हो दे सकते हो। ठीक है बच्चों, तो आइए देखें इसमें क्या दिया गया। इसमें बोला गया है, आपने बड़ों को कहते हुए सुना होगा, जैसा खाना वैसा होना। हाँ, यह सही है। हमारे द्वारा खाए गए भोजन के पोषक तत्व शरीर की ऊर्जा प्रदान करते हैं। जो हमारे बड़े ये बात कहते हैं कि जैसा खाना खाएंगे वैसा ही होना है हमारा शरीर, तो ये बात क्या है, सत्य है। ऐसा क्यों है, क्योंकि जो भोजन हम खाते हैं उसी के द्वारा क्या है, शरीर में पोषक तत्व हमें प्राप्त होते हैं और उन्हीं से हमें क्या है बच्चों, ऊर्जा मिलती है। हमारे भोजन में निम्न पोषक तत्व होते हैं, यानी ये पोषक तत्व होते हैं, कौन से, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वास, विटामिन, खनिज लवण, ठीक है, और जल, ठीक है, और एक आपका होता है रेसे, ठीक है। ये क्या है, ये मेन पोषक तत्व होते हैं जो हमारे शरीर में पाए जाते हैं, हमारे खाने के अंदर पाए जाते हैं। तो सबसे पहले कार्बोहाइड्रेट क्या है, यह भोज्य पदार्थ है। कैसा है, भोज्य पदार्थ है, जो हमारे शरीर में कैलोरी के रूप में क्या करता है, ऊर्जा देता है, ठीक है। एक क्या है, भोज्य यानी खाने योग्य पदार्थ होता है जो हमारे शरीर में कैलोरी के रूप में ऊर्जा देता है, जैसे केला और गन्ना। ये क्या है, ये है हमारा, इसे क्या बोलते हैं, कार्बोहाइड्रेट बोलते हैं, ठीक है, केले और गन्ने में पाया जाता है। प्रोटीन, यह हमारे भोजन की आवश्यकता है। प्रोटीन क्या है, हमारे भोजन की आवश्यकता है, क्योंकि इससे वृद्धि होती है, इससे क्या होती है, हमारे शरीर में जो है वृद्धि होती है, जैसे दूध और चिकनी चीज़ें, ठीक है, चिकना जो भी होता है उसमें प्रोटीन पाया जाता है। वास, यह अधिक ऊर्जा प्रदान करने वाला महत्वपूर्ण भोजन है, यानी सबसे अधिक ऊर्जा जो मिलती है हमारे शरीर को वो वास से ही मिलती है, जो नौजवानों लोगों के लिए अधिक आवश्यकता पूर्ण होता है। यानी कि वास की ज़रूरत क्या है, सबसे ज़्यादा नौजवान लोग जो होते हैं उनके लिए ज़रूरी होता है। और जैसे ये किस में प्राप्त होता है, मछली में प्राप्त होता है और पनीर में प्राप्त होता है। इसके बाद आते हैं विटामिन्स, यह शरीर के सामान्य रूप से चलने की आवश्यकता है, ठीक है। शरीर में सामान्य रूप से क्या है, हमें विटामिन्स की ज़रूरत पड़ती रहती है, कभी किसी विटामिन की, कभी कोई विटामिन की। विटामिन्स ज़्यादातर अंडे और टमाटर के अंदर है, बहुत सारे विटामिन्स पाए जाते हैं। इसके बाद खनिज लवण, यह वह कार्य करने की सहायता करता है जो जीवन के लिए आवश्यकता होती है, यानी हमारे जीवन में जिस कार्यों की हमें आवश्यकता होती है उसको करने के लिए जो हमारी मदद करता है वो कौन करता है, खनिज लवण जो होता है वो करता है, ठीक है बच्चों। फाइबर या रेसे, हमारे शरीर को स्वस्थ रखने के लिए, पाचन तंत्र को साफ रखने में सहायता प्रदान करते हैं। फाइबर या रेसे जो हैं वो क्या करते हैं, हमारे शरीर को स्वस्थ रखते हैं और पाचन तंत्र को साफ रखने में क्या करते हैं, सहायता प्रदान करते हैं, ठीक है। तो ये किस में पाया जाता है, गाजर में और टमाटर में। बच्चों कुछ शब्द क्लियर आपको सुनाई नहीं दे रहे होंगे, ठीक है, बोलने में थोड़ी सी क्या है परेशानी हो रही है, थोड़ी तबीयत ख़राब है, तो उसके लिए मैं आपसे क्या करता हूँ, क्षमा मांगता हूँ, ठीक है। आगे देखते हैं, पानी, हमारे शरीर में 75% पानी से बना हुआ है, जिसके कारण शरीर का तापमान सामान्य रखा जाता है। शरीर का तापमान किसके द्वारा समान रखा जाता है, पानी के द्वारा, और वो किससे बना है, 75% हमारे शरीर में क्या प्राप्त होता है बच्चों, पानी प्राप्त होता है। और पानी के लिए हम क्या है, खीर खाते हैं, खीरा खाते हैं, टमाटर खाते हैं और पानी भी पीते हैं। तो आइए बच्चों आगे देखें क्या दिया गया है, आगे देखते हैं इसमें बोला गया है, देखिए इसमें क्या बोला गया है, नीचे दिए गए वर्ग पहली में प्रत्येक 7 पोषक तत्वों के 2 भोज्य पदार्थ जो है उनको ढूंढने हैं, ठीक है। 7 पोषक तत्व दिए गए हैं, उनके 2 भोज्य पदार्थ हैं जिनको हमें क्या करना है, ढूंढना है। जैसे आपका पहला क्या हो गया बच्चों, आपको पहला दिख रहा है ये अंडा, ठीक है, इसको आप क्या कर लेंगे, इस तरीके से सर्किल बना लेंगे। इसके बाद क्या आपको दिख रहा है, आपको दिख रहा है तरबूज, ठीक,
तरबूज के बाद आपको क्या दिख रहा होगा बच्चों? अगला आपको दिख रहा है चावल। चावल के बाद क्या दिख रहा है? टमाटर। ठीक है, ये देखिए टमाटर हो गया। ठीक, और टमाटर के बाद ये आपको दूध। ठीक, टमाटर हो गया, दूध हो गया, चावल हो गया, तरबूज हो गया। इसके बाद क्या है? और भी देखिए इसमें बहुत सारे शब्द हैं। इसके बाद बच्चों क्या है? चिकना आपका हो गया। ठीक है, चिकने के बाद क्या हो गया जाके बच्चों? चिकने के बाद अगला आपका जो हो जाएगा जाके बच्चों, मछली। ठीक, ये मछली हो गई। ठीक है, और कौन सा हो गया? और देखिए इसके बाद बच्चों एक हो गया आपका नमक। ठीक है, नमक के बाद क्या हो गया बच्चों? फल। ठीक है, फल के बाद क्या हो गया एक बच्चों? पानी। ठीक है, पानी हो गया, फल हो गया, नमक हो गया। ठीक है, और इसमें और बच्चों आपका क्या हो गया? आपका हो गया एक, ठीक, पनीर। ठीक, पनीर लगा दीजिएगा। पनीर के बाद और भी है इसमें कुछ? तो बच्चों आपके इतने ही शब्द क्या हैं इसके अंदर हैं। चलिए आगे देखते हैं आपकी वर्कशीट में क्या दिया गया है। ठीक है, आगे आपकी वर्कशीट में दिया गया है, ठीक है, वर्कशीट में क्या दिया गया है? तो आगे आपकी वर्कशीट में दिया गया है जोड़े बनाएं। क्या बोला गया बच्चों? जोड़े बनाना है आपको, हैं। तो आइए देखते हैं इसमें क्या दिया गया है। जैसे पानी, पानी का क्या हो जाएगा? शरीर के तापमान को सामान्य रखना। ठीक है, इसके बाद रेसे, रेसे क्या, इसके बाद क्या है बच्चों? खनिज। ठीक है, खनिज क्या करता है? खनिज जो है ये हमारे जीवन को सुरक्षित रखने का कार्य करता है। इसके बाद कार्बोहाइड्रेट, कार्बोहाइड्रेट क्या करता है बच्चों? जो है ये ऊर्जा देने वाला पदार्थ है। ठीक है, इसके बाद क्या है? इसके बाद है प्रोटीन। प्रोटीन क्या है? सहायक है। ठीक है, वृद्धि का सहायक कहलाता है। और रेसे क्या है? हाजमा। ठीक है, हजम ना होने वाली जो चीज़ें हैं उनको जो है उनको बोलते हैं रेसे। ठीक है, तो आइए आगे देखें आपकी वर्कशीट में क्या दिया गया। आगे आपकी वर्कशीट क्या होती है यहीं पर समाप्त होती है। वीडियो कैसी लगी कमेंट करके बताइए। वीडियो लाइक करिए, चैनल सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद बच्चों।